मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक परम श्रद्धेय गुरुदेव शास्त्री सोजन चेतन जी, जिन्हें हृदय से नमन करने की उपरांत भगवान की कथाएं भक्त श्रवण कराने के लिए प्रस्तुत है। मानवर श्री सुखदेव जी महाराज अवगत करा रहे हैं कि हे राजन पक्ष, इधर भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, बधाइयां गोकुल नाम के गांव में बजी हैं। अब भगवान कन्हैया अपनी बाल लीला किस तरह से दर्शा रहे हैं, ये आख्यान आप लोग अभी श्रवण कर रहे थे। कंसराज ने एक ही नहीं, अघासुर, बकासुर, धेनकासुर, प्रलंबासुर, बत्सासुर, अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन प्रभु ने उन राक्षसों का वध किया है। किस तरह से प्रभु धर्मराज की स्थापना कर रहे हैं। एक दिन बाबा नंद ने समस्त यदुवंशियों को एकत्रित किया और कहा कि भैया, इस गोकुल में रोजाना नए नए उपद्रव होते, अब इस गोकुल गांव को छोड़ देने में भला। समस्त यदुवंशी कहने लगे हैं कि बाबा, जब हम सब ने आपको अपना नेता मान लिया कि यादवों के नेता बाबा, जो आपकी सम्मत वो हमारी सम्मत है। बाबा नंद ने गोकुल नाम के गांव को छोड़ दिया, वृंदावन को आबाद किया है, जहां तुलसी का भयानक जंगल था। समस्त यादव अपनी झोपड़ी बनाकर के वृंदावन में निवास करने लगे हैं। बाबा नंद के मित्र ही वृषभान, इन्होंने जब ये सुना कि मेरे मित्र बाबा नंद गोकुल को छोड़ करके चले गए, वृषभान को बड़ा दुख हुआ। वृषभान ने अपना पैतृक गांव रावल छोड़ दिया। रावल गांव को छोड़ करके वृषभान ने बरसाना नाम का कस्बा आबाद किया है। ये जाकर के भक्त बरसाना में रहने लगे हैं। अब ये कथा जो भागवत के दसवें स्कंद की चल रही है, भगवान मुरली मनोहर किस तरह से बाल लीला कर रहे हैं, इस कथा को एक ही बार नहीं भक्त अनुभव कर, एक बार नहीं अनेकों बार आप सुनना, लेकिन कभी चित्त नहीं हटता है। क्योंकि व्यास जी ने इस तरह से ये रचित की है, सुखदेव जी ने इस तरह से इसका वर्णन किया है। क्योंकि व्यास जी ने जब ये देखा कि कलयुग के लोग इतने विलासी होंगे, वेद की भाषा को वो समझ नहीं पाएंगे, तो कलयुग के जीवों का फिर उद्धार कैसे होगा। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इन्होंने भागवत की रचना की कि भागवत की कथा को सुन करके कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। श्रोता बंधुओं, अब बाबा नंद जाकर के वृंदावन में रहने लगे ही, भगवान कन्हैया का सितारा दिन प्रतिदिन चौचंद हो रहा है। भोजराज कंस का सितारा दिन प्रतिदिन मंद पड़ रहा है। भोजराज कंस की सभा लगी हुई है। कैसी वो सभा लगी है, एक झलक हम आप लोगों को अवगत कराएं।
तो इधर श्रोता भोजराजगंज की सभा लगी है और वो कैसी सभा थी, एक झलक उस सभा की हम आपको अवगत कराएं। सभा लगी हुई है लेकिन भोजराज कंस गद्दी पर तो बैठा है पर उदास है। और एक बात बताऊं कि चिंतित व्यक्ति को राग बाग और फाग कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो व्यक्ति चिंतित होता है कंसराज सभा में वो बैठा है लेकिन बड़ा चिंतित है। सभा के लोग इन्हें लगे ही कि महाराज का चित्त प्रसन्न करने के लिए संगीत वादन का कार्य शुरू किया जाए। संगीत वादन का कार्य शुरू हुआ सभा में हुआ। कंसराज गद्दी से उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगे आइए महाराज। शेले शेले न मारी किम मोक्त किम ना गजे गजे साधवन श
शरबत चंदनम न बने। आप जैसे सज्जन पुरुष हर जगह तो नहीं मिलते हैं। स्वागत है देव ऋषि, आसन ग्रहण कीजिए। नारद जी आसन पर बैठ गए, कहने लगे कि कंसराज में घूमता हुआ जा रहा था, सोचा कि कंस की भी सुध लेता चलूं, क्योंकि मैं आपका बड़ा शुभ चिंतक हूं। कंसराज कहने लगा कि हां देवसी, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं। विषय को बदल करके नारद जी कहने लगे ही कि भोजराज कंस, जब मैं पहले आया था तो आपका यह चेहरा चंद्रमा की तरह से चमक रहा था, लेकिन अब ये मुरझाता क्यों जा रहा है, कुछ तो बताओ। बोले कि नारद बोले राजन, तेरी क्यों दशा की गलती जाती है, दबा